So, this is lecture 28, and in this lecture, we are going to learn about the DTFT. Okay, that is discrete time Fourier transform. We have seen the continuous time Fourier transform. CTFT, we have seen the properties. Now, what we to cover that is your discrete time Fourier transform. So, if I want to tell about this DTFT,

पीरियडिक सिग्नल अपीरियोडिक भी हो सकता है ओके एंड दिस एक्शन शुड बी डिस्क्रीट मैं यही लिख देता हूं सो so डिस्क्रीट में भी ये पीरियडिक हो सकता है या अपीरियडिक हो सकता है सो so एक्शन हमारे पास गिवन है एंड हमें इसका क्या चाहिए डीटीएफटी सो फॉर डीटीएफटी हम जो रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल बी एक्स ऑफ ओमेगा ओके सो ये भी क्या होगा एक्स ऑफ ओमेगा होगा पीरियडिक होगा और जो आउटपुट होगा ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखें ओमेगा सो ओमेगा विल बी इन कंटिन्यूस फॉर्म आउटपुट सो इफ आई वांट टू टेल अबाउट दी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस डेफिनेशन इन द सेंस मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है इसकी सो फॉर डी इफ यू वॉन्ट टू

डी टी एफ टी ओके सो फॉर आई टी टी एफ टी ऑब्वियसली यू वॉन्ट टू कैलकुलेट दी एक्स एन एक्सा गिवेन है और आप एक्सएन कैलकुलेट करना चाहते हो मीन रिवर्स उसमें डायरेक्शन में तो उसको बोलते हैं इनवर्स ड्रेस की टाइम फॉर ये ट्रांसफॉर्म सो दट इज कैलकुलेटेड बाई वन अपॉन टू पाई माइनस पाई टू पाई एक्स ऑफ़ ओमेगा टू दी पावर जे ओमेगा एंड डी ओमेगा सो विद दी हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ दिस एक्स, ओके इनवर्स चलिए रिमेंबर एक है जिसको आप बोल सकते हैं एक्जिस्टेंस ऑफ द डीटी एफ टी ओके डी टी एफ टी किस पॉइंट के लिए वैलिड रहेगी ओके सो रिमेंबर

एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स एन शुडी उसकी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए अगर ये फाइनाइट है okay, तो आप बोल सकते हैं उसका डी टी एफ टी एक्ट करता है मीन उसका डी टी एफ टी हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं okay, एप्सोलूटली समेबल पास summation available है ओके okay? so okay? अगर एग्जाम में पूछता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ डी टी एफ टी देव टू राइट इट सुड भी एप्सोलूटली समेबल ओके नाउ अब एक एग्जाम्पल एक ले लेते हैं ठीक है एक सिंपल सा हम एग्जांपल पिक कर लेते हैं लेट्स सी एक्स एन इक्वल टू गिवन एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन है ए टू दी पावर एन यू एन एंड यू हैव टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ एक्स ओमेगा और डीटीएफटी ओके डीटीएफटी ऑफ एक्स एन ठीक है आपको एक्स ऑफ ओमेगा कैलकुलेट करना बेसिक डेफिनेशन ऑफ आपको यहाँ पे बताई थी ओमेगा यूज़ दिस फॉर्मूला सो चलिए हम इसको लिख लेते हैं सो यू नो दू माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एन ई टू दावर माइनस जी ओमेगा एन दिस इज आर बेसिक डेफिनेशन एक्स एन आपको पता है क्वेश्चन में गिवेन है सो जस्ट पुट दैल्यू ऑफ एक्स ऑन ओवर हेयर सो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एन की वैल्यू क्या है ए टू दावर एन यू एन ए टू दावर माइनस जीओ मेगा ओके ना फ्रॉम हेयर आपको पता है सॉरी दैट इज ए टू दावर एन क्या होगा यूल्यू ऑफ जीरोन इज वैलिड ओनली एन इक्वल टू जीरो बचा गया हमारे पास दैट इज ई टू पावर एन ई टू पावर माइनस जी ओमेगा इसको कैसे लिख सकते हैं हम एन इक्वल टू जीरो इंफिनिटी ए टू पावर माइनस जी ओमेगा टू पावर एन ओके नाउ ऑब्वियसली दैट इज द समेशन सो जस्ट पुट वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू जीरो गेट द

टर्म यहां पे है मल्टीप्लिकेशन में ए टू पावर एन आया था तो ए एक टर्म यहां पे आ रहा है ओके okay. अगर हम इस को देखें तो दैट एक्स ओमेगा इज डिपेंडिंग अपॉन दिस ए वैल्यू ओके सो व्हेन दिस वैल्यू इज अगर हम इसको समेशन Uh, बनाना चाहते हैं मीन समेबल बनाना चाहते हैं फाइनाइट बनाना चाहते हैं तो दैट इज इन अगर हमारी एक की वैल्यू, वैल्यूसली इट इज डिपेंडिंग अपॉन ओमेगा बट इट ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन दी लेस देन वन कैसे वैन इफ ए की वैल्यू वन हो गई और यहां पे टर्म अगर इसकी वैल्यू आपकी ओमेगा इक्वल टू जीरो पे दैट विल बी वन वन माइनस वन वन अपॉन जीरो दैट इज दॉट एडमिसेबल अकॉर्डिंग टू दी टी एफ टी ओके यू हैव टू ऑल्सो मैं किस वैल्यू के लिए हम ये कैलकुलेट करते हैं ओके ये आपको ध्यान रखना होगा चलिए <coughs> यह तो हो गया एक सिंपल कैलकुलेशन अब एक हम और नुमेरिकल ले लेते हैं क्विकली सो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि और कैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे लेट्स सी एक्स एन इक्वल टू माइनस ए टू दी पावर एन यू माइनस एन माइनस वन इज गिवन एंड यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा डी कैलकुलेट करना है सो so, एग्जाम में आपको Most probably क्या होगा क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा so uh, uh, यूज करना है कि एन डोमेन तो में गिवन है, है ये आपको वहां पे फाइंड आउट करना पड़ेगा उसके बाद ही आपको सी टी एफ टी लगाना है डी टी एफ टी लगाना है ये आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जहां पे एन की बात आ रही है हम डी एफ टी यूज करेंगे सो so, बेसिक अब एक्सन हमारे पास गिवन है आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है सो so, अगर क्वेश्चन में देखें आपको पता है कि बेसिक डेफिनेशन जो है वो हमारी यही है माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी ओके दैट इज योर एक्स एन ई टू दावर माइनस जी ओमेगा एन एक्स एन की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है

सो so, अगर मैं बोलू यू एफ माइनस वन इक्वल टू वन कब होगा ऑब्वियसली एन लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए ठीक है आप यूनिट स्टेप आप पढ़ चुके हैं अच्छे से नाउ इसमें अगर हम शिफ्टिंग कर दें माइनस एन माइनस वन अगर हम कर दें दैट विल बी वन व्हेन एन शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस वन सो यहां से हमें पता चल गया इफ वी आर मल्टीप्लाइंग दिस यू एन माइनस वन कहा लाई करेगा एन शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस वन सो इजिली यू कैन राइट ए डाउन हिस्सर दैट दिस बी एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन सो इसकी वैल्यू उस ड्यूरेशन के लिए क्या हो जाएगी वन हो जाएगी सो so, बचा आपके पास क्या माइनस ए टू दावर एन ई टू दावर माइनस जे होमेगा एन ओके okay. नाउ इसी को अगर इफ यू वांट टू चेंज दी योर लिमिट सो इजीली यू कैन राइट इट डाउन अपर को लेवल लोअर में अपर को सो माइनस साइन चेंज हो जाएगा सो एन इक्वल टू वन टू इनफिनिटी माइनस ए टू दावर माइनस एन और माइनस एन का मल्टीप्लाई होके इट टू पावर जे ओमेगा एन जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा जो प्लस था माइनस हो जाएगा तो आपने क्या किया इंटरचेंज दिमिट ना इसी को इजिली जस्ट टेक आउट दाइनसाइड एन एन इक्वल टू वन टू इनिटी अब ए टू दावर माइनस एन सो माइनस एन कॉमन अगर ले लें तो बचा गया सॉरी uh, एन अगर कॉमन ले लें तो बचा गया ए टू दावर माइनस वन ई टू दावर जे ऑमेगा टू दावर एन ओके सो ये हमारे पास Resultant आगया. Now just put the values of this n equal to 1, 2, 3 in this. So you will get when you are putting suppose n equal to 1. Minus sign is here. So omne लिया e to the power minus 1 e to the power j omega. e to the power minus 1 e to the power j omega ka whole square plus e to the power minus 1 e to the power j omega whole cube. In this manner you will get this.

ऑब्वियसली ए टू दावर माइनस वन ई टू दावर जीओमेगा ये आउटसाइड है पावर माइनस वन इवर जी ओमेगा अपॉन दैल्यू ऑफ एके थिंक देर वि माइनस साइन ऑल्सो सो डिपेंडिंग अपॉन दैल्यू ऑफ दिस अब मैंने क्या बोला था ए इनवर्स क्या है बेसिकली आपका वन अपॉन एके सो आप पहले क्वेश्चन में पहले एग्जाम्पल में देख रहे थे जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते जा रहे हैं उन्हें दिमाग में रखना सो so आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं ओके, okay? बिकॉज अगर ये वाला टर्म जीरो हो गया तो आपका सिग्नल इनफाइनाइट हो जाएगा और उसी से हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं चलिए सो इन दिस वे यू कैन दी दिस डी टी एफ